सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ करेंगे। बेस पे 10 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। सभी स्क्रू सेम साइज के हैं। अभी हम ट्वीज़र को अपर केस और बेस के बीच में डालेंगे और इसे अनलॉक करेंगे। इस मॉडल में मदरबोर्ड अपर केस पे अटैच है, सो बेस बाहर की तरफ निकलेगा। अब हम धीरे से बेस को ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं थिन एल्युमिनियम की शीट काले रंग की उसके ऊपर लगी हुई है, जिसपे 3 स्क्रू लगे हुए हैं और नीचे की तरफ लॉक लगे हुए हैं। हम 3 स्क्रूज को खोलेंगे। अभी हम धीरे से इसे ऊपर उठाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही रैम का स्लॉट लगा हुआ है, DDR4। बैटरी की केबल को निकालना मत भूलिए, धीरे से बाहर की तरफ निकाल देना है। अभी हम क्रूजियर ब्रांड की रैम DDR4 4GB 24 MHz की लगाएंगे। जस्ट अंदर डालना है और प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। आप M.2 स्लॉट देख सकते हैं, ग्राफिक चिप और प्रोसेसर। अभी हम ध्यान से बैटरी की केबल को दोबारा लगाएंगे। अभी हम एल्युमिनियम की शीट को लगाएंगे। नीचे लॉक्स दिए हुए हैं, उस पर बस रख के प्रेस करना है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तीन स्क्रू टाइट करेंगे। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे प्रॉपरली लॉक है। अभी हम बेस को फिक्स करेंगे। सबसे पहले हिंज की साइड से रखेंगे इसे, फिर सभी साइड से प्रेस कर लेंगे ताकि लॉक अटैच हो जाएं एक दूसरे से।
ये सभी 10 स्क्रू बेस के हम टाइट करेंगे। लैपटॉप को ऑन करके चेक कर लेंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो।